कलसूम नवाज की मैयत से नवाज शरीफ मरियम का खिलवाड़। सियासी फायदे की खातिर माँ और बीवी की मैयत का तकद्दस भी भूल गए। पाकिस्तानियों के नाम फारूक मलिक बंगेश का खुला खत। हार्ले स्ट्रीट के अंदर से आंखों देखा हाल। आज सुबह 9 बजे मैं बड़ी मुश्किल से 79 हार्ले स्ट्रीट पहुँचा। तमाम दरवाजे बंद थे, कहीं से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। खुशकिस्मती से मुझे लंदन के एक मारूफ सर्जन स्पाइन कंसल्टेंट डॉक्टर इलामशी अंदर ले गए, जिन्होंने 2006 में मेरी सर्जरी करके मुझे मुस्तकिल मजदूरी से बचाया था। इस वक्त मैंने अपनी किताब दी बर्थ ऑफ बॉम्बर इनके नाम से मंसूब की थी। कलसूम बाजी कई हफ्तों से कैबिन 3D में मौजूद हैं। इनकी नर्स बल्गारियन नजात बरतानवी खातून है, जिनका नाम मिस एंड्रीटा है। ये नाम मैंने इनके नेम बैंड से पढ़ा। मैं कंफर्म करता हूँ कि कलसूम बाजी अब इस दुनिया में नहीं है और इनका इंतकाल हो चुका है और डॉक्टर इसका शरीफ खानदान को बता चुके हैं। गालबन ये हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक का पहला वाकया है कि एक मुर्दा जिस्म को वेंटिलेटर और महंगी तरीन मशीनों पर रखा हुआ है। एक खतरनाक साजिश के तहत बनाया हुआ एक मंसूबा। मुस्लिम लीग नून का कोई वर्कर या कोई भी शख्स हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक आना चाहे तो वो मेरे नंबर 00447889846788 पर रब्ता कर सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे सुबह 3 से शाम 6 बजे के दरमियान आए। नवाज शरीफ और इसकी काबिले नफरत बेटी मरियम सफदर को दुखी खातून की मैयत से खिलवाड़ करने पर शर्म आनी चाहिए। जानवर हैं ये लोग। हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक पूरे का पूरा नवाज शरीफ खानदान ने बुक किया हुआ है। नवाज शरीफ, मरियम और साहबजादों के सिवा किसी भी पाकिस्तानी को इस फ्लोर पर जाने की इजाजत नहीं है, जहाँ कलसूम नवाज की मैयत करोड़ों रुपए की मशीनरियों पर रखी हुई है। एक प्राइवेट बरतानवी कंपनी को ठेका दिया हुआ है, जिसमें सारे सिक्योरिटी गार्ड नॉन एशियन हैं, जिन्हें उर्दू नहीं आती। शरीफ खानदान ने अस्पताल इंतजामिया को पाकिस्तान से लूटे गए अरबों में से करोड़ों अदा करके इनका मुंह बंद कर दिया है और साथ ही ये मुआहदा भी किया गया है कि कोई भी डॉक्टर या नर्स बगैर किसी तलाशी के अंदर या बाहर नहीं जा सकेगा। मुझे शदीद तकलीफ है कि मैं पिछले 15 साल से नवाज शरीफ को सपोर्ट करता रहा। नवाज शरीफ इंसान के लाने के भी काबिल नहीं। फारूक मलिक बंगश।